बड़ी खबर यही है कि आज शाम मोदी की तीसरी सरकार का शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया था और पीएम आवास पर नए मंत्रियों के साथ बैठक अभी खत्म हो गई है। इस बैठक में वो सारे सांसद मौजूद थे जिन्हें मंत्री बनाया जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ तब वो लेने जा रहे हैं, उससे पहले मंत्रियों से चाय पर चर्चा की है, बातचीत की है, नए सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी हैं। और आज शाम 7:15 का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। इसी के साथ वो इतिहास भी रच देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू के बाद वो ऐसे प्रधानमंत्री होने वाले हैं जो लगातार अपने कार्यकाल में रहते रहते तीसरी बार ये शपथ लेंगे। और बैठक के बाद राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी पीएम आवास से निकल भी चुके हैं। तो देखिए, जो संभावित मंत्री थे उन्हें फोन कॉल पहले पहुंचा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने चाय पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। यतेंद्र हमारे सहयोगी मासा से जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या खास बातें रही हैं आज चाय की चर्चा पर? देखिए, जो संभावित मंत्री यानी कि जो शाम को शपथ लेने वाले मंत्रीगण सदस्य हैं, उन सभी को आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ अपने आवास पर चाय पे चर्चा पे बुलाया। और वो पहले भी कार्यकाल को देखें, दूसरे कार्यकाल को देखें, वही ये परंपरा उन्होंने पहले कार्यकाल से अपनाई है कि जो भी मंत्रीगण शपथ लेने वाले होते हैं उनको वो अपने आवास पर बुलाते हैं और सरकार का रोड मैप बताते हैं कि सरकार का एजेंडा क्या है, पहले 100 दिन का एजेंडा क्या है और पूरे 5 साल का क्या है, क्योंकि 2047 का जो विजन है उनका विकसित भारत बनाने का, उसको लेकर साल दर साल उनका एजेंडा, उनकी सरकार का क्या रहता है, उस पर उन्होंने चर्चा की। चाय पे चर्चा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रोड मैप होगा उसको अपने मंत्रालयों में सभी मंत्रियों को लागू करना होगा और पूरी अथक मेहनत, कड़े परिश्रम के साथ इस रोड मैप के साथ जनता के बीच में ले जाना है, जिससे जो 2047 का जो विकसित भारत का जो उनका एजेंडा है वो लागू करने में आसानी रहे, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि उनका जो 5 साल का रोड मैप है जो 2047 तक के लिए जाएगा और इस सरकार का जो तीसरे कार्यकाल का जो 5 साल का रोड मैप है पूरी तरह से तैयार है, जब वो शपथ लेंगे उसके अगले दिन से ही, तो मतलब तुरंत प्रभाव से उस पर उनको लग जाना है, ज्यादा उनको किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है और इसका इस रोड मैप को लागू करने में जो भी अथक परिश्रम हो सकता है सभी को करना, इस बात का निर्देश उन्होंने अपने सभी संभावित मंत्रियों को दिया जो शाम को शपथ लेंगे। जी, 5 साल की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से पूरा जो मंत्रिमंडल है वो काम करेगा, उसका जो आकार होगा वो क्या होगा और कौन कौन से वो फैसले होंगे जो ये पूरा मंत्रिमंडल लेगा, यही होती है चाय पर चर्चा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री बुलाते भी है, कैबिनेट की पूरी बैठक वहां पर लेते हैं और उन संभावित चेहरों से लगातार बात करते हैं, जैसा कि यतेंद्र ने भी हमें बताया। यतेंद्र, आपसे आप ये भी जानना चाहेंगे, जो आधार होता है मंत्रियों को चुनने का वो क्या होता है? वहां की डेमोग्राफी होती है जहां से वो चुनकर आए हैं, उस राज्य की डेमोग्राफी काम का आधार होता है, या फिर जैसे कि जेडीयू है, अब उसने 12 सांसद जीते हैं तो उसमें से कुछ सांसदों को उनको देना होगा, क्या वो आधार होते हैं जिनके बेसिस पर इन मंत्रियों को चुना जाता है? देखिए, सहयोगी दलों ने जो नाम दिए हैं वो अपने आधार पर, अपने जातिगत समीकरण और क्षेत्र के आधार पर देखो, क्योंकि भी राजनीतिक दल उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जिसका सियासी फायदा और वो जो जनता में और खासकर कैडर में जो उसका एक अच्छा मैसेज आए, यही बीजेपी का एजेंडा रहता है कि जो भी मंत्रिमंडल बनता है चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और उनकी क्या योग्यता है, वो कितने काम करने लायक है या उनको जो पोर्टफोलियो दिया जाएगा वो उसमें फिट बैठते नहीं बैठते, क्या वो उस पोर्टफोलियो के साथ न्याय कर पाते नहीं कर पाते, इन सभी बातों को, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही उनका चुनाव किया जाता है। और अब मोदी सरकार के जो तीसरा कार्यकाल है उनके संभावित मंत्रियों को देखेंगे जो आज चाय पे चर्चा पे बुलाए गए थे, तो वो उसी पर पार्टी उसी परंपरा को फॉलो करते हुए, इसमें अनुभवी लोग भी हैं, इसमें युवा लोग भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी सम्मान भी है और अल्पसंख्यकों को भी, खासकर सिख समुदाय को भी इसमें ध्यान में रखकर उनको सहभागिता, उनकी हिस्सेदारी इसमें तय की गई है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान दिया गया है कि जो भी उनको पोर्टफोलियो कल दिया जाएगा उस पोर्टफोलियो के साथ वो न्याय करें, जो रोड मैप है सरकार का 5 साल का खासकर उसमें, और जो 100 दिन से लेकर 5 साल तक का जो रोड मैप है उस एजेंडे को वो अपने योग्यता के आधार पर उसके साथ न्याय कर सकें और रोड मैप पर कोई कोताही ना हो, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही प्रधानमंत्री मोदी को बर्दाश्त नहीं है और वो ईमानदारी के साथ वो लोग काम करें, इस तरह का मैसेज दिया गया। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि इसको वो एंजॉय के तौर पर ना देखें कि मंत्री पद मिल गया और सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। मंत्री पद का मतलब है कि चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है और अधिक जिम्मेदारी के साथ वो इस चुनौती को पूरा करें। और जो सरकार की चुनौती है, जो सरकार को रोड मैप है पहले 100 दिन का और उसके बाद 5 साल का और उसके बाद जो 2047 का जो लक्ष्य है उसको देखते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा समय
जनता के लिए, जनता के बीच में। देखिए यतेंद्र, हम